जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट आना है 10th का या 12th का, एक तो वो वैसे परेशान है कि पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, दूसरा कुछ लोग पता नहीं ऐसा मजाक क्यों करते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो गलत काम भी इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि किसी को लगेगा कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा, किसी का क्या मतलब होगा इससे। तो इसलिए इंसान को पता ही नहीं चल पाता है कि ये गलत है या सही है। अब आपको अगर ये दिख रहा हो, एक नोटिस है, सार्वजनिक सूचना है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव के साइन भी हैं, और अच्छे तरीके से बताया गया है कि हाई स्कूल का 5 अप्रैल, इंटरमीडिएट का मतलब जो 12th क्लास है उसका 5 अप्रैल, इसका 2 बजे, इसका 4 बजे रिजल्ट आएगा, और सार्वजनिक सूचना दी गई है। अब ये जानकारी को पढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि लोग सच मानेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि भला ऐसी कोई जानकारी बेफालतू में क्यों देगा, जरूर गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पर दी होगी, तो इसलिए लोगों ने उसको शेयर किया होगा, जबकि ये 100% फेक है। और गवर्नमेंट ये परेशान है कि जिस टाइप के आदेश हमने जारी नहीं किए हैं कि आखिर ये आदेश किसने जारी कर दिया। तो इसीलिए यूपी बोर्ड वालों के बच्चों के साथ लोग मजाक कर रहे हैं, और दिखे अब उनको समझ में भी नहीं आता है कि ऐसा क्या हुआ या नहीं होगा। अब वो मुझे पता चला कि 5 अप्रैल को सुबह से ही बच्चे परेशान कि आज रिजल्ट आएगा हमारा, जो 12th क्लास में थे उनको पता था कि 4 बजे रिजल्ट आएगा, और जो 10th क्लास में थे उनको पता था हमारा 2 बजे रिजल्ट आएगा। अब वो सबके मन में मतलब डाउट, पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा, जो लोग कहीं जा रहे थे उन्होंने अपना मतलब वहां पर जाना कैंसिल कर दिया, सब इंतजार में बैठे, और कई बार पूरे दिन वेबसाइट को सर्च किया गया, रिजल्ट को सर्च किया गया, लेकिन जब पता चला गवर्नमेंट को कि ऐसा भी लोगों ने मजाक किया है कि गवर्नमेंट के नाम से कोई सूचना जारी कर दी है, फेक तरीके से बता दिया कि रिजल्ट आने वाला है, तो फिर गवर्नमेंट को अपनी तरफ से बोलना पड़ा कि अभी तक हमने ऐसा कोई भी नोटिस नहीं दिया है, ऐसी कोई डेट नहीं दी है, तो इसलिए जो दी है वो फेक है। तो मैं कहना चाहूंगा यूपी बोर्ड वालों के लिए जिन स्टूडेंट का रिजल्ट आना है, कि देखिए आप न्यूज़पेपर को फॉलो करें, आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, सोशल मीडिया पर जितनी भी जानकारी दी जाती है, या तो सोशल मीडिया पर जैसे कि फेसबुक है आपका, गूगल है, या तो उस पर देख लें कि जैसे कि जो अच्छी मतलब जो न्यूज एजेंसी है, जो समाचार पत्र है, जैसे कि अमर उजाला, दैनिक जागरण, या तो इनके द्वारा कोई डेट दी जाए, या फिर आप जो न्यूज़पेपर जो आते हैं, प्रिंटेड न्यूज़पेपर आते हैं, घर पे आते हैं जो, उनको पढ़ें, उसके बाद ही सोचिए कि हाँ अगर उसमें कोई डेट दी जाती है तो आपका रिजल्ट इस डेट को आएगा। वैसे ही अफवाहों के चक्कर में ना पड़े, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा ऐसा मान लो, क्योंकि जब आपको वहां पर करना था वो टाइम निकल गया है, अब आप रिलैक्स होकर बैठो, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो अपने आप में ये चीज सुधार करो कि हमने कहाँ पर गलतियां की जिससे हमारे यहाँ पर मार्क्स अच्छे नहीं आए, आगे चल के मेहनत करेंगे और मार्क्स और अच्छे लाएंगे, तो इसलिए टेंशन मत लो, और उम्मीद है कि अप्रैल के लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा, लास्ट तक।